आज मैं हूँ पटना सिटी के बहुत ही फेमस बहुत ही पुराने मिठाई जिसका नाम है खुरचन, जो पटना में ही नहीं पूरे भारत में फेमस है, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन यहाँ के मिठाई खाए बिना जाते नहीं है। यहाँ का खुरचन मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक भी खाए हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटी भी इस दुकान का खुरचन खा चुके हैं। ऐसा क्या है इस मिठाई में जो भी खाते हैं वो दीवाने हो जाते हैं? दूध को जलाकर खुरचन को बनाया जाता है, और भी यहाँ पे बहुत सारा चीजें जो दूध से बनाई गई है। यहाँ पे बहुत सारा आइटम आपको मिल जाएगा, अलग अलग प्रकार का मिठाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और टेस्ट बिल्कुल लाजवाब। एक बार खाने के बाद आपको लत लग जाएगा, बार बार खाते रहेंगे, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर का मिठाई यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं मिठाई का देखिए, राज। पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप, इस खाली कढ़ैया में आधा किलो दूध रखा मैंने, ठीक है। और ये कढ़ाई कम ताव पे जाता है, जब ये खौल जाएगा तब फिर तेज ताव पे जरा सा जाएगा। हाँ, ये फूल रहा है, हाँ, और इसी पर से फाइनल होकर उतरता है जो यहाँ आता है। इसमें फिर एक किनारा जो सूख गया है, इसमें हम गरम दूध मिला देते हैं थोड़ा सा, नाम मात्रा, कि ये जो सूखा हुआ है ना किनारा, ये सब गीला हो जाता है, तो इसको खुरचने में यह सुविधा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आता है और यहाँ हमारे कारीगर बैठ के इसको इस लोहे के पत्थर से खुरचते हैं, खुरच कर इस ट्रे में परत दर परत बिछाते हैं। इसको हम लोग भैंस के दूध से ही बनाते हैं, गाय के दूध का नहीं बन पाएगा, डेयरी वगैरह का नहीं बन पाएगा। हाँ, ओरिजिनल भैंस का दूध चाहिए, ताजा चाहिए, बासी भी नहीं। ये कम से कम जब तक दूध मोटाए नहीं तब तक बनते रहता है, जब दूध देखा कि मोटाने लगा है तो उसको उतार लिया, खौला लिया, उसको खौला लिया और खुरचन का काम बंद। लेकिन जब तक कच्चा रहेगा तब तक घी बनाते हैं, दूध गर्म करके खौला के उसको नहीं बनाया जा सकता है। बहुत है, 15 से 20 किलो, 1400 रुपए किलो बेचते हैं। इसमें ऐसे चीनी का भुर्रा ही डालते हैं सिर्फ, और इलायची। और किसी का ऑर्डर रहा स्पेशल खुरचन तो इसके अंदर पिस्ता पड़ेगा, केसर डलाएगा, पिस्ता का हवाई केसर, उसका दाम हो जाता है 2000 रुपए किलो। देखिए, अब ये खुरचन का घानी खींच रहे हैं, अब यही ट्रे पर बिछाएंगे। हाँ, एक परत बिछाए, थोड़ा सा दे दिया इलायची मिला हुआ चीनी का भुर्रा, फिर उसके ऊपर एक परत चढ़ाए, फिर इलायची छीट दिया, चीनी छीट दिया, इसी तरह कम से कम 14-15 तरह बिछने के बाद एक ट्रे तैयार होता है। उसको फिर पीस काटते हैं हम लोग। हाँ, एक पीस 50 ग्राम का होता है कम से कम, वो 70 रुपए का आता है। हाँ, जी जी जी, इसमें मेहनत देख लीजिए, आपके सामने है, 3-4 आदमी लगे रहते हैं, 3-3 चूल्हा पे बनाना पड़ता है। ये घी गर्म हो रहा है, यहाँ पे खोआ, खुरचन, पेड़ा, कलाकंद, परवल की मिठाई, बेसन की लड्डू, गोंद की लड्डू, जो अगर ज्यादा चूर चार निकलता है उसको हम कटोरा में उधर अलग रख लेते हैं, मावा में डाल देते हैं, इसको हम खोआ बना देते हैं। जी, दूध में डाल दिया, खोआ बन गया। ये खुरचन है, इसको पीस बाय पीस काटा जाता है। एक पीस आपको 50 ग्राम की पड़ती है, एक पीस का कीमत आपको 70 रुपए। इसमें ये खासियत है कि आप इसके हर लेयर को खोल सकते हैं, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। हमारे यहाँ बेसिकली अभी तो सुबह का टाइम है, तो अभी बहुत सारी आइटम्स अवेलेबल है। ऐसे हमारे यहाँ कलाकंद है, परवल की मिठाई है, गोंद लड्डू है, बेसन लड्डू है, घी में है, रिफाइन में है, काजू की बर्फी है, मिल्क केक है। खाने के लिए हमारे यहाँ कचौड़ी गली में आना पड़ेगा, आप चौक उतरेंगे, चौक के आगे गुरुद्वारे से जस्ट पहले कचौड़ी गली, कचौड़ी गली के मोड़ पे ही हम हैं। तो ये देखिए, ये है खुरचन, ये आपको 70 रुपया का एक पीस पड़ेगा, 1 किलो 1200 का पड़ेगा। तो लोगों से जानते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। समझिए कि इनके पास आ रहे हैं 45 साल, हाँ 45 साल, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और जब आते हैं, जब हम
यहाँ खाते हैं, हम पटना रहते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं हफ्ता में अगर दो दिन आएंगे तो दो दिन खाएंगे, पांच दिन आएंगे तो पांच दिन खाएंगे। हम शुगर पेशेंट हैं लेकिन फिर भी इनको हम जुर्माना देके जाते हैं। भैया बहुत बढ़िया रहता है, बहुत फेमस है, हर जगह जाता रहता है, मोदी जी के पास गया है, सिंगापुर गया है। इनका दुकान बहुत पुराना है, हम भी पुराने कहाँ से, हम आए हैं पटना से, 1980 से जान रहे हैं। बहुत बढ़िया है,